दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि इन दिनों बॉलीवुड के गलियारों में दो फिल्मों के बीच छिड़ी हुई जंग की चर्चा हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ही जोरों शोरों से हो रही है, इस सवाल के साथ कि बबुआ इस जंगवा में जीतेगा कौन। तो भाई आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूँ। तो भाई मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपर स्टार अजय देवगन की आ चुकी फिल्म दृश्यम की पार्ट टू की, जिसने भैया अपना पहला हफ्ता कंप्लीट कर लिया और इस फिल्म का दूसरा हफ्ता चालू हो चुका है। और भैया सीधी बात कहे तो इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज 9 दिन हो चुके हैं और कल इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर 10वां दिन है। और भैया इस फिल्म का मुकाबला जिस फिल्म से हो रहा है बॉक्स ऑफिस पर, उस फिल्म का नाम है भेड़िया, जिसमें नजर आ रहे हैं बॉलीवुड के कुली नंबर टू यानी कि भैया हमारे वरुण धवन। तो दोस्तों इन दोनों फिल्मों को कल बॉक्स ऑफिस पर किस तरह का एडवांस बुकिंग मिला है और इस एडवांस बुकिंग के माध्यम से क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि भैया कल भी अजय देवगन अपनी फिल्म दृश्यम के पार्ट टू के माध्यम से पटखनी देने वाले हैं बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड के इस नए भेड़िए को। चलिए समझने की कोशिश करते हैं इन दोनों फिल्मों के कल के एडवांस बुकिंग कलेक्शन रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस की गलियारों से इन दोनों फिल्मों को लेकर जो रिपोर्ट हम लोगों के सामने आई है ना, उसको देखने के बाद तो हम यही बात आप लोगों से कहना चाहेंगे कि भैया कल भी पटखनी खाते नजर आ रहे हमारे भेड़िया बाबू बॉलीवुड के सिंघम से, यानी कि भैया हमारे सिंघम यानी कि भैया हमारे अजय देवगन की आ चुकी फिल्म दृश्यम के पार्ट टू को कल भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही शानदार एडवांस बुकिंग मिलता नजर आ रहा है। यानी भैया कल इस फिल्म के एडवांस बुकिंग के माध्यम से अब तक 1,36,763 टिकट बेचे जा चुके हैं और इतने टिकटों को बेचने के बाद इस फिल्म को कल एडवांस बुकिंग की मदद से 3,29,00,000 रुपीज का बिजनेस मिल चुका है। यानी भैया कंप्लीट संख्या में हम आपको बताएं तो भैया इस फिल्म को कल के लिए 3,29,37,198 का एडवांस बुकिंग मिल चुका है। और वहीं पर अगर हम बात करें भैया भेड़िया की, तो दोस्तों भेड़िया को लेकर ये जानकारी तो ऑलरेडी हम लोगों ने आपको दी है कि भैया इस फिल्म को 2D और 3D वर्जन के माध्यम से हिंदी और तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज किया गया है। और भाई इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया इन सभी लैंग्वेजों के सभी वर्जन के माध्यम से इस फिल्म के कल 60,250 टिकट बेचे जा चुके हैं और इतने टिकटों को बेचने के बाद इस फिल्म को कल के लिए जो एडवांस बुकिंग मिला है पूरे इंडिया से वो आंकड़ा है 1,55,00,000 रुपीज का। यानी कि कंप्लीट संख्या में बताएं तो 1,55,34,219 का इस फिल्म को एडवांस बुकिंग कल के लिए मिल चुका है। यानी कि भैया कल के एडवांस बुकिंग वाले जंग में भी हमारे सिंघम जो हैं वो भेड़िया के ऊपर भारी साबित पड़े हैं मेरे भाई। यानी कि भैया दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक प्रदर्शन कर रही है, लेकिन भैया अभी भी अजय देवगन का जो जलवा है वो बॉक्स ऑफिस पर चल रहा है और उनकी फिल्म भेड़िया से आगे निकल रही है कमाई के मामले में। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भैया आपको क्या लगता है, क्या दूसरे वीकेंड में भी अजय देवगन का सिक्का बॉक्स ऑफिस पर चलेगा और भैया क्या भेड़िया पहले वीकेंड में भैया सिंघम से हारने वाले हैं। वैसे हार तो चुके हैं मेरे भाई। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि कल क्या कोई चमत्कार होगा या फिर हम फिर से नमस्कार करेंगे दृश्यम के पार्ट टू को। अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वर्ण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।